हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपके बर्ड्स भी अच्छे होंगे। दोस्तों कि आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि बर्ड्स के में जो के जो कॉलोनी है, जो केज होते हैं, उनमें लड़ाइयाँ होती रहती हैं, उनमें फाइटिंग चलती रहती है। लेकिन दोस्तों मेरी जो कॉलोनी में जो है जो फाइटिंग कुछ इस तरह से हो रही है कि उनको आपस में छुड़ाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों आप जो मेरे सामने जो मेरी फीमेल देख रहे हैं, ये जो बैठी हुई है, दोस्तों ये मेरी कॉलोनी की सबसे शरारती यानी कि जो सबसे लड़ाका जो मान लीजिए, ये हर किसी से लड़ती रहती है, हर किसी से, और सबसे जीतती भी है क्योंकि ये हेल्थ इसकी अच्छी है, गुड क्वालिटी है इसकी। और दोस्तों लेकिन अब हुआ कल का क्या कि इस वाली जो फीमेल की है, इस वाली फीमेल के साथ जो है कल लड़ाई हो गई है। यानी फाइटिंग इतनी ज़बरदस्त थी दोस्तों कि जब तक हम आए तब तक इनकी आप लड़ाई है इतनी आपस में बच चुकी थी और इस मिट्टी के अंदर इनकी लड़ाई बज रही थी। और दोस्तों जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि इस फीमेल की जो ऊपर की जो चोंच है वो दोस्तों टूट चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा इससे क्लोज करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों अभी ये शायद सो रही है। तो आप देखिए दोस्तों ये बिल्कुल इसकी जो ऊपर की जो चोंच है दोस्तों ये टूट चुकी है और नीचे की चोंच उसके भी दोस्तों अभी है। लेकिन अभी हमें चिंता ये है कि ये अभी खाना कैसे खाएगी। हालांकि खाना तो ये खा रही है, बट ये है कि इसको आप जैसे कि आप जानते हैं कि जो जैसे हमने कंगनी दी हुई है और कंगनी को दोस्तों जो है कि अपने चोंच से जो इसको तोड़ के उसके अंदर की जो सीड है वो निकालते हैं और उसको खाते हैं। तो दोस्तों अब ये देख सकते हैं कि ये क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे खाएगी और कैसे इसका सर्वाइव होगा। हालांकि तो क्या है कि अगर जिसकी चोंच है आ भी जाती है लेकिन उसका आने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा और हमें नहीं लगता कि ये जी पाएगी नहीं, क्योंकि दोस्तों इसका मेल है, साथ में इसके है। और अभी अगर तक कहीं इसने खाना खिला भी रहा है कुछ अपना आप भी खा रही है। और दोस्तों अगर हो सकेगा तो मैं इसकी आपको इसकी अगर चोंच इसमें पड़ी हुई है दोस्तों, अभी ये दोनों बैठे हुए हैं तो इसमें इसी की चोंच जो है वो टूटी हुई पड़ी हुई है। अगर मैं इनको निकालने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, अगर जो यहीं बाहर निकल जाए तो दोस्तों ये जैसे ही यहाँ पे बैठी है ना इसी जस्ट देखो आप देख सकते हैं दोस्तों वो जो पास में पड़ी हुई है। आपको अगर क्लोज करके मैं दिखा पाया तो आप देख लीजिए जहाँ पे ये जो करी ये दोस्तों देखिए ये जो चोंच आपको दिख रही है ना दोस्तों ये इसकी चोंच पड़ी हुई है। तो दोस्तों ये इसकी चोंच इसमें जो पड़ी हुई है और दोस्तों कल से जो है कि ये मान नहीं रही है बिल्कुल भी और लड़ाइयाँ तो खैर अभी भी कर रही है, मान नहीं रही है और काफ़ी ज़्यादा शरारत कर रही है। दोस्तों अभी देखो इसी मटकी के ऊपर बैठी है क्योंकि ये सोच रही थी इसकी मटकी को छीनना चाह रही थी और शायद मुझे लग रहा है कि इसमें एक अंडे रखने वाली है, बट मैं इसको हटाने वाला था लेकिन इसमें अंडे रखने वाली है तो इसलिए मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों आंखों के सामने देख लीजिए दोस्तों किस तरह की लड़ाई है बच्चे की। ये दोनों दोस्तों आपस में मेल हैं दोनों और जो मैंने दोनों की फीमेल जो है अलग अलग कर रखी है लेकिन इसकी फीमेल जो है अभी दोस्तों इसमें ये है, इसके अंदर जो है तीन बच्चे बचे हुए हैं। और दोस्तों ऊपर वाली मटकी में जो मेरी जो है कि इसमें पाँच अच्छे छः अंडे हैं और दोनों फीमेल जो है एक साथ बैठती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लड़ाइयाँ होती हैं बहुत बुरी और दोस्तों दुख होता है जबकि जब के बड़े आपस में लड़ते हैं जब खून को आपस में निकल जाता है तो बड़ा दुख होता है। और दोस्तों कल मेरी एक जो फीमेल थी वो मर गई है, पता नहीं वो किस वजह से मरी है और उसको जो दो दिन से कुछ थी मैंने उस पर मेडिसिन वगैरह भी दे रहा हूँ और मैं इलेक्ट्रोल पाउडर भी इनको दे रहा हूँ। लेकिन मौसम दो से तीन दिन से यहाँ पे जो है दोस्तों बहुत ठंडा हो रखा है। पानी दोस्तों मेरी लोकेशन पानीपत में है और पानीपत के अंदर लोकेशन में दोस्तों अगर आपको किसी को भी आसपास में अगर किसी को बर्ड चाहिए और आप बर्ड परचेज करना चाहता है, अपने घर में रखना चाहता है तो दोस्तों मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर या ईमेल आईडी या जीमेल आईडी कुछ भी आप मुझे दे दीजिए इंस्टाग्राम, तो मैं इससे खुद कॉन्टैक्ट करूँगा और वो मेरे घर से आगे इनको लेकर जा सकता है। दोस्तों मैं कुछ पेड़ सेल कर चुका हूँ और इसमें कुछ काफ़ी कम पेड़ बचे हुए हैं। और दोस्तों की जो कि दूसरा मेरा जो छोटा सा केज है उस केज में मैंने देखो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ मेरे जो बजीज के जो बच्चे हैं वो मैंने इसमें रखे हुए हैं। दोस्तों ये भी सेल फॉर सेल के लिए, पर अभी इसमें से कुछ जो येलो वाले और येलो और वाइट जो इसमें दिख रहे हैं दोस्तों ये सेल के लिए नहीं है, बाकी सब सेल के लिए हैं, ये बच्चे हैं इसके। और इनकी एक या दो फीमेल इसके अंदर पड़ी हुई है, बाकी जो मेरा पूरा केज है दोस्तों ये, और मटकियाँ तो मैं धीरे धीरे हटा ही रहा हूँ जैसे जैसे हो रही है खाली। और आप देख सकते हैं कि दोस्तों एक प्यारा सा बच्चा ही रहा है यहाँ पर और एक बैठा हुआ बच्चा ही रहा। तो दोस्तों आप दोनों बच्चे देख सकते हैं कितने प्यारे हैं और दोस्तों दोनों मटके से बाहर आ चुके हैं। दोस्तों एक्चुअली मटकी से बाहर इनको मैंने ही निकाल दिया क्योंकि दूसरी फीमेल जो इस मटकी में गई और दूसरी फीमेल जाके जो है दोस्तों उसको जो है काफ़ी परेशान करती है, इनको मारती है, तो इसलिए मैंने दोनों को नीचे रख दिया। और जो इनका जो मेल है वो ये बैठा है दोस्तों ऊपर सामने, ये इनको खाना जो है खिलाता रहता है, खूब अच्छे से फीड करा रहा है दोस्तों इनको। तो दोस्तों ये था मेरी वीडियो का छोटा सा अपडेट। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।